नेला से लगे सरखो गांव में चोरों ने महामाया मंदिर में धावा बोला। चोरों ने मंदिर से दान पेटी पार कर दिया। सरखो सहित पूरे नेला क्षेत्र में चोरों के आतंक से लोगों में दहशत है। इसके बावजूद नेला पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी है। चोर क्षेत्र में एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। फिर भी नेला पुलिस महज लगातार पेट्रोलिंग किए जाने का मामला जप रही है। इधर फिर सरखो की महामाया मंदिर से चोरों ने दान पेटी पार कर दिया। महामाया मंदिर का पुजारी लतेल राम धीवर जब सुबह मंदिर आया तो गायब दान पेटी देखकर वह सन्न रह गया। उसने आसपास के लोगों से पता साझी करने के बाद पुलिस को सूचना दी। क्या नाम है आपके? लतेल राम धीवर। ये महामाया मंदिर में जो चोरी के मामला है कहाँ है बतावा कुछ? वही दान पेटी चुरा के ले गए जी। कब की बात है? परसों के। कैसे हो कुछ जानकारी? नहीं जानकारी नहीं है सर। रात के 8 बजे से पूजा करके गए हैं, सुबह आए तो ताला टूटे मारे थे, देखा दान पटी गायब। सूचना आप काला काला दे भाई सरपंच दे हैं, सरपंच पली दे हैं। हाँ तो हाँ पहला दे हैं जी। थाना में? हाँ थाना में। हाँ घर है, हाँ घर कल कल घर है। शाम के आए थे, शाम के आए 5 बजे। ये पहली बार है क्यों हो चुके? आओ हो गए, 2-3 बार हो गए चोर चोरी। तो आज तक कुछ पता नहीं चला? नहीं चला, पता नहीं चला थे। हाँ सर, ये सरखो में चोरी का क्या मामला है, थोड़ा सा जानकारी देंगे? सरखो महामाया मंदिर में एक चोरी की रिपोर्ट हुई है और एक आध चोरी पहले भी हुई है और शाम को दोपहर में भी कल स्टाफ भेजा था, शाम को भी स्टाफ गया था, आज फिर शाम को जहाँ जहाँ संदिग्ध पॉइंट हैं, जो जो संदिग्ध लड़के उनके संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और जैसे ही पुख्ता जानकारी मिलेगी और आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर देखा जा रहा है कि एसपी साहब का आदेश है कि मतलब हर जगह गली में पुलिस का वो होना चाहिए, गश्त होना चाहिए, लेकिन अधिकांश देखा जाता है कि नैला चौकी से गश्त की गाड़ियाँ नहीं निकलती, क्या कहेंगे इस विषय पर? क्या गाड़ी नहीं है कि यहाँ पर गश्त कर निकली? नैला में 4-व्हीलर वाहन नहीं है और 21 गांव हैं और रेलवे स्टेशन क्षेत्र है, शहर के भी क्षेत्र हैं, तो समय बदल बदल कर सभी जगह पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाती है। सरखों में अब विशेष पेट्रोलिंग आज से फिर लगाया जाएगा। ठीक है।